अपने एमआई मोबाइल को स्मार्ट टीवी से कैसे कनेक्ट करें स्क्रीन मिररिंग या कास्टिंग के ज़रिए, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए जो फीचर होता है वो आपके सेटिंग्स में आपको फीचर मिलता है कास्ट स्क्रीन मिररिंग या स्मार्ट मिररिंग का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको आपके इस स्मार्टफोन को और इस स्मार्ट टीवी को, दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले इस स्मार्ट टीवी की अगर बात करें तो इसमें हमें इसको सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाकर इसको हमें वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है। नेटवर्क सेटिंग्स में ओपन नेटवर्क सेटिंग्स, इसमें जाना है और यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना है इसको। फिर इसी सेम हॉटस्पॉट से हमें इस फ़ोन को भी कनेक्ट करना है जिसमें स्क्रीन मिररिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। तो स्क्रीन मिररिंग से अब यहाँ पर बैक आ सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग से आप आपके फ़ोन में जो ऐप्स या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप देख रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन में स्मार्ट टीवी पर भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपके फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है और इसको भी सेम वाईफाई नेटवर्क से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है जिससे स्मार्ट टीवी को कनेक्ट किया है। तो ये दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, फ़ोन और स्मार्ट टीवी। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है कास्ट या स्क्रीन मिररिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है कनेक्शन एंड शेयरिंग में, कास्ट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर कास्ट स्क्रीन कंटेंट्स टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर, इसको ऑन कर देना है। तो टर्न ऑन वाईफाई ब्लूटूथ एंड लोकेशन सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सर्च हो रहा है डिवाइस के लिए और ये यहाँ पर डिवाइस शो हो गई, इससे कनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग ऑन हो गई, ठीक है कास्टिंग। अब यहाँ आप जो भी ऐप या फोटोज या वीडियोज़ यूज़ करेंगे वो यहाँ आपके स्मार्ट टीवी में भी शो होगी।